लॉकडाउन में गर्भवती महिलाओं की परेशानी बढ़ गई है। रांची के सदर अस्पताल में रिम्स के प्रसूति विभाग में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद विभाग को बंद कर दिया गया था। सैनिटाइजेशन करने के बाद विभाग को खोला गया। अब गर्भवती महिलाओं को पहले कोरोना टेस्ट हो रहा है और उसके बाद भर्ती किया जा रहा है। यह नजारा है रांची के डोरंडा के सरकारी अस्पताल का। सदर और रिम्स में प्रसूति विभाग बंद होने के बाद इन हॉस्पिटलों में गर्भवती महिलाओं को सुविधा दी गई है। शुरुआत के 2 से 3 दिनों तक यहां कोविड टेस्ट की सुविधा दी गई थी, जो कि अब बंद है। डोरंडा सरकारी अस्पताल में पहले से इलाज करा रही गर्भवती महिलाएं इन दिनों बेहद परेशान है। शुरू से यहीं से करवा रहे थे, अभी आए हैं तो अभी बोल रही है कि नहीं होगा जांच करने के लिए, कोरोना जांच करने के लिए, और यहाँ सुविधा नहीं है। और शुरू से यहीं पे मतलब हुआ है। रांची के सदर अस्पताल में देर रात सेवा जरूर शुरू की गई, लेकिन इसकी जानकारी आम लोगों को नहीं थी। ऐसे में मधुकम से गर्भवती महिला डोरंडा के सरकारी अस्पताल पहुंचने के बाद वहां प्रॉपर इलाज नहीं करा पाई। वहां ये बताया गया कि पहले कोविड टेस्ट करा ले, तभी यहां दाखिला लिया जाएगा। इसके बाद पूनम देवी रिक्शा से गुरु नानक स्कूल पहुंची, जहां अपना कोरोना टेस्ट कराया। डोरंडा सदर गए हुए थे, वहां बोल रहे कोरोना का जांच करा कर ये कागज लेके तब एडमिट करेंगे। यहां एडमिट ऐसे नहीं करेंगे हम, आप लोग यहां चले जाइए। सदर नहीं गए थे यहां, यहां बोला सब बोल रहा बंद है, तो इसीलिए हम लोग डोरंडा सदर बोला खुला, इसीलिए हम लोग वहां चल गए। तो वहां बोल रहा जांच करा के लाइए, कोरोना कागज लेकर आइए तब जांच करेंगे। अब कहाँ जाएंगे, अब सदर जा रहे हैं। हाँ सदर जा रहे पता करने के लिए। डोरंडा के सरकारी अस्पताल में कोविड टेस्ट की सुविधा रहने से गर्भवती महिलाओं को परेशानी नहीं होती, जरूरत है इसे संजीदगी से लेने की। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन अभि दास के साथ अंजनी की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखा, जिस तरीके से कोरोना की जंग पूरी देश लड़ रही है, उसी बीच जो है गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानी इस दौरान हो रही है।